नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल फुटेज में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कन्हैया। तो आज के वीडियो में मैं जो ट्रिक बताने वाला हूं, ये ट्रिक बिल्कुल हैरान करने वाला है। जी हां दोस्तों, जैसे आप अपने फ्रेंड को कोई भी व्हाट्सएप पे अगर कोई फ़ोटो भेजोगे या वीडियो भेजोगे, अगर आप केवल आपका फ्रेंड ही आपके फ़ोटो और वीडियो को देख सकेगा, अगर उस व्हाट्सएप को कोई अदर आदमी खोलेगा तो वो उस फ़ोटो को नहीं देख पाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। जैसे हमने यहाँ से इसे ओपन कर लिया और ओपन करने के बाद हम यहाँ से प्लस आइकॉन पे यहाँ पे गैलरी में गए और गैलरी में जो भी फ़ोटो है हम यहाँ से इसे अलाउ कर देते हैं। और जो भी फ़ोटो है, मान के चलिए कि मैंने यहाँ से एक फ़ोटो को मैंने ये जेड है, मैंने इस फ़ोटो को ले लिया और फ़ोटो को लेने के बाद यहाँ पर डन कर दिया। और डन करने के बाद यहाँ पे देखिए एक रेड कलर का ये आइकॉन दिख रहा है, तो हम इस रेड कलर के आइकॉन पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद इस फाइल का कुछ भी नाम दे देंगे। तो चलिए हम इस फाइल का कुछ भी नाम दे देते हैं, जैसे मान के चलिए हमने के दे दिया फाइल का नाम। और इस तरह से हम इसमें पासवर्ड प्रोटेक्शन लगा देंगे, तो हम यहाँ से जो खाली बॉक्स दिख रहा है यहाँ से हम इसे क्लिक कर देंगे। और क्लिक करने के बाद इस पीडीएफ में पासवर्ड मांग रहा है, तो चलिए हम इसे पासवर्ड दे देंगे और इस पासवर्ड से क्या होता है हम इसे आपको आगे बताएंगे। तो चलिए हम इस पासवर्ड का नॉर्मली हम दे दिया ए बी और सी, मैंने ए बी सी पासवर्ड दे दिया। देखिए आपने आई प्रोटेक्शन से यहाँ से देख सकते हैं कि मेरा जो पासवर्ड है ए बी सी है, तो मैंने इसे दे दिया और यहाँ से इसे ओके कर दिया। और ओके करने के बाद इसे यस कर दिया, ये बता रहा है कि के नाम से पहले भी मैंने फाइल बना रखा है, वही ये दिखा रहा है, तो कोई बात नहीं, मैं इसे यश कर देता हूँ। इस पर जितनी बार कोई भी फ़ोटो भेजते हैं तो इस पर कोई भी ऐड आता है क्योंकि ये फ्री वर्जन है। तो चलिए हम इसे यहाँ से कट कर लेते हैं और कट करने के बाद देखिए मैंने यही फ़ोटो था, अभी इस फ़ोटो को मैं यहाँ से शेयर करता हूँ। देखिए यहाँ पे शेयर आइकॉन पे क्लिक किए और नीचे ये व्हाट्सएप आ गया, ये व्हाट्सएप आ गया। और मैंने यहाँ से चलिए मैंने अपने पहले व्हाट्सएप से दूसरे व्हाट्सएप पे फ़ोटो भेज के दिखाऊंगा कि इसमें क्या होता है। देखिए मैंने पहले व्हाट्सएप को क्लिक किया और पहले व्हाट्सएप के क्लिक करके मैं अपने दूसरे व्हाट्सएप का नंबर यहाँ डाल देता हूँ, KAN, ये मेरा दूसरा व्हाट्सएप है और मैंने अपने दूसरे व्हाट्सएप पर सेंड कर रहा हूँ। देखिए जैसे ही मैं दूसरे व्हाट्सएप पे सेंड किया तो ये देखिए अभी मेरा दूसरा व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाएगा, ये मैंने जैसे ही यहाँ से सेंड कर दिया। सेंड करने के बाद देखिए चलिए हम आपको दूसरा व्हाट्सएप खोल के दिखाते हैं, ये देखिए जो मेरा दूसरा व्हाट्सएप है इस पे मैसेज आ रखा है। इस तरह से मान के चलिए कि ये जो व्हाट्सएप है आपके जो आपका जो फ्रेंड है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी हो, वो व्हाट्सएप को ओपन नहीं कर रहा है, कोई अदर आदमी ओपन कर रहा है, तो ये मेरा भेजा हुआ मैसेज को वो नहीं देख पाएगा। देखिए जैसे मैंने इस मैसेज को यहाँ से ओपन किया, ओपन करने के बाद ये फाइल है, इस फाइल को मैंने जैसे ही ओपन करूँगा, ओपन करने के बाद चलिए हम पीडीएफ में कर सकते हैं या गूगल में कर सकते हैं, तो हम यहाँ से पीडीएफ को ले लेते हैं। और जैसे यहाँ से इसे ओपन करेंगे दोस्तों, ये पासवर्ड मांगेगा। देखिए आप देख सकते हैं ये कितना यूनिक ट्रिक है। जैसे मान के चलिए अगर आपका कोई भी फ्रेंड है और उसका कोई पर्सनल मोबाइल नहीं है, वो घर के मोबाइल पे ही मैसेज करता है, तो ऐसे में आप उसे कोई फ़ोटो भेजने के लिए सोचते हैं तो सोचते हैं कैसे फ़ोटो भेजेंगे, कोई अदर आदमी देख लेगा, टेंशन लगा रहता है। तो मैंने जैसे ये फ़ोटो है और जो मैंने यहाँ पर देखिए मैंने जो पासवर्ड दिया था ABCD, मैंने अपने दोस्त को पहले ही बता दूंगा कि मैं जो भी फ़ोटो भेजूंगा ABC पासवर्ड रखूंगा या कुछ भी रखूंगा, आप जो भी रख सकते हैं, मैंने तो बताने के लिए ABCD रख दिया। तो चलिए मैंने ABC डालता हूँ और ये खुल जाएगा। देखिए ABC डाल के मैंने यहाँ पे इसे ओपन कर दूँगा और ओपन करने के बाद देखिए ये फ़ोटो खुल गया। इस तरह से आप अपने फ्रेंड को जो चाहे फ़ोटो बेधड़क भेज सकते हैं और इससे आपको कोई डर नहीं लगा रहेगा कि मेरा जो फ़ोटो भेजे वो मेरे फ्रेंड ने देखा या नहीं देखा या कोई अदर आदमी ने देख लिया, क्योंकि उसको तो पासवर्ड का पता ही नहीं रहेगा। और पासवर्ड आप अपने फ्रेंड को बता सकते हैं कि मैं जो भी फ़ोटो भेजूंगा उसमें यो पासवर्ड डालोगे तभी खुलेगा। अब इस फ़ोटो को मैं अगर दोबारा भी खोलूंगा तो ये दोबारा भी पासवर्ड चाहिए, ऐसा नहीं कि एक बार मैंने खोल दिया तब ये पासवर्ड नहीं मांगेगा। इस तरह से आप बेझिझक कुछ भी जो भी भेजना चाहते हैं, कैसा भी फ़ोटो कुछ भी भेजना चाहते हैं, वीडियो भेजना चाहते हैं, तो बेधड़क भेज सकते हैं। और यहाँ पे जितनी बार खोलेंगे उतनी बार पासवर्ड चाहिए, तो ABC में डाल देता हूँ। तो ये तो इस ऐप की एक खासियत थी। और दूसरी खासियत इस ऐप की ये है,
चलिए हम आपको दिखाते हैं, जैसे कोई भी नॉर्मल फ़ोटो रहता है तो आप इसे पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ से मैं गया और यहाँ से प्लस आइकॉन पे क्लिक किया, और प्लस आइकॉन पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ गैलरी पे क्लिक किया, और गैलरी पे क्लिक करने के बाद कोई भी एक फ़ोटो को मैं ले लेता हूँ। मान के चलिए कोई भी एक फ़ोटो को मैंने यहाँ से ले लिया है, मान के चलिए एक फ़ोटो को मैंने यहाँ से ऐसे चूज करके और यहाँ पे डन पे क्लिक कर दिया। और डन पे क्लिक करने के बाद ये यहाँ पे जो रेड कलर का आइकॉन दिख रहा है, हम इसे यहाँ से क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद फाइल का नेम कुछ भी दे देंगे, जो भी आप फ़ोटो रखें वो किस कैटेगरी का फाइल है या फिर आप क्या नाम देना चाहते हैं। तो मान के चलिए मैंने इस फाइल का नाम दे दिया कन्हैया, KNHAIYA कन्हैया दे दिया। और यहाँ पे चाहे तो आप पासवर्ड प्रोटेक्शन लगा सकते हैं और चाहें तो नहीं भी लगा सकते हैं। अगर आपको किसी खास आदमी को या खास फ्रेंड को मैसेज भेजना हो और आपको लगता है कि वही आदमी देखे तो आप प्रोटेक्शन लगा सकते हैं, तो ये टिक करेंगे और फिर यहाँ पे पासवर्ड डाल देंगे कुछ भी, और आपके फ्रेंड को आप बता देंगे, या फिर आप चाहें तो नहीं भी लगा सकते हैं और यहाँ पे ओके कर देंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन है देखिए इमेज कंप्रेशन का, ये नो कंप्रेशन है, आप यहाँ पे ये नो कंप्रेशन नहीं रहेगा तो इसमें जो पिक्चर क्वालिटी होती है वो ज़्यादा थोड़ी सी अच्छी हो जाती है नॉर्मल फ़ोटो के मामले में। तो चलिए हम आपको वो भी दिखा देते हैं, यही फ़ोटो को आप जब अलग तरीके से देखेंगे और दोनों में कितना डिफरेंट है। तो हम यहाँ से इसे ओके कर देंगे और ये फ़ोटो मेरा बन के तैयार हो गया, ये पीडीएफ में जो नॉर्मल फ़ोटो था वो पीडीएफ में कन्वर्ट हो गया। तो चलिए हम इस फ़ोटो को आपको ओपन करके दिखाते हैं। देखिए जो ये फ़ोटो वहाँ पे था वो फ़ोटो बिल्कुल धुंधला था, और यहाँ पे थोड़ा सा ये ठीक हो जाता है, और ये पीडीएफ में फ़ोटो है। आप समझ सकते हैं जो एक ही फाइल से आप एक जो ऐप से आपने अलग अलग काम कर सकते हैं, और बहुत ही मज़ेदार का ऐप है और इंटरेस्टिंग ऐप है और इसकी रेटिंग भी अच्छी है। तो चलिए हम आपको प्ले स्टोर पर इसे दिखाते हैं। जैसे यहाँ से हमने प्ले स्टोर पर गया और प्ले स्टोर पर यहाँ पर सर्च करना है IMG और टू, और यहाँ पे लिख देना PDF। देखिए मैंने लिख दिया और यहाँ से इसे मैंने सर्च आइकॉन पे क्लिक कर दिया, और क्लिक करते ही देखिए यहाँ पे जो ये ऐप्स आ रहा है तो हम दिखा देते हैं इसमें कौन सा ऐप है। जो ये वाली ऐप दिख रहा है देखिए यहाँ पे PDF लिखा हुआ है ग्रीन कलर का, आप देख सकते हैं ये PDF है। और जो इसकी रेटिंग है मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। देखिए इसे मैंने यहाँ से मैं इंस्टॉल किया हुआ है, इसकी रेटिंग आप देख सकते हैं 4.5 की रेटिंग है, और प्लस 5 मिलियन आदमी ने इसे डाउनलोड किया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो कितना तगड़ा ऐप है ये, 4.5 की रेटिंग है प्लस 5 मिलियन प्लस लोगों ने इसे डाउनलोड किया हुआ है, तो ये बहुत ही कमाल का ऐप है। आप भी प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड कर सकते हैं, और पूरा सिक्योर ऐप है, इसमें कोई भी तरह का सिक्योरिटी आपका लीक नहीं होगा, और इसमें ना ही कोई परमिशन देना पड़ेगा, सिर्फ आपको गैलरी का परमिशन देना पड़ेगा, जो कि आपका फ़ोटो को केवल यहाँ से अलाउ करना पड़ेगा तभी आपके फ़ोटो को पीडीएफ में कन्वर्ट करेगा। इसमें आप चाहे तो केवल कैमरा से भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं, जैसे यहाँ से आपने इसे IMG PDF को ओपन करेंगे तो आप चाहे तो बिना गैलरी के साथ साथ आप डायरेक्ट फ़ोटो खींच के भी भेज सकते हैं। जैसे ये कैमरा है, यहाँ से हम कैमरा को अलाउ करेंगे और मान के चलिए कोई भी एक फ़ोटो यहाँ से हम क्लिक कर देंगे, ये फ़ोटो क्लिक कर दिए, और ये फ़ोटो क्लिक करने के बाद यही फ़ोटो मेरा कन्वर्ट हो जाएगा पीडीएफ में। यहाँ से हम जैसे इसे ओके कर देंगे तो ये पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगा डायरेक्ट आप, और फ़ोटो खींच के भी आप डायरेक्ट पासवर्ड लगा के भेज सकते हैं। तो फ़ोटो जैसे ही खींच लेंगे, फ़ोटो खींचने के बाद यहाँ से आप रेड आइकॉन पर क्लिक करेंगे, और रेड आइकॉन पर क्लिक करने के बाद सेम वैसे ही फाइल का नाम देंगे, और फिर आपको जो भी करना होगा, आप पासवर्ड प्रोटेक्शन लगा सकते हैं नहीं लगा सकते हैं वो आपकी मर्जी है पर्सनल। तो आप इस तरह से आप कोई भी फ़ोटो, आप कैमरा, गैलरी, किसी भी तरह से आप फ़ोटो सेंड कर सकते हैं। तो अगर ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक करना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कर इस बेल आइकन के घंटी को प्रेस कर ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि ऐसे ही यूजफुल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे ट्रिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।